आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है और कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी देखेंगे, लगातार पार्टी के कमजोर होने की बात उठा रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, यदि डील की बात नहीं उठा रहे तो हमें लगता है कि अभी तक जदयू का विलय राजद में निश्चित तौर पे हो गया रहता। जदयू के भीतर का उठाव पटक जो है वो पहले बड़े बड़े जो वहाँ पदाधिकारी हैं उनके बीच चल रहा था, लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को ये जगाया है और ये बताया कि जदयू को बचाना है और जदयू को मजबूत करना है, जदयू के विलय से रोकना है और जदयू का कोई नेता ही जदयू का उत्तराधिकारी होगा, उसके बाद से आम कार्यकर्ता तक में ये बात पहुँच गई है। और 19-20 तारीख को जिस तरह से अपील किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, उसके बाद से ये चर्चा हर चौक चौराहे पर शुरू हो गई है कि आखिर 19-20 तारीख को क्या होगा। इसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं निचले स्तर के भी, वो भी जाग गए हैं। इन्हीं संदर्भ में कई तरह की बातें हमको सुनने में के लिए मिल रही हैं और लगातार फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं जिस पर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 19-20 तारीख को क्या होगा। कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं और यहाँ तक कि जब जदयू के भीतर जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा कर दी हो कि उस 19 और 20 तारीख की बैठक में कोई नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी पार्टी संविधान के तहत, तो अब लोग और ज़्यादा उस पर चर्चा शुरू कर चुके हैं। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन बातों को लेकर के धीरे धीरे जदयू के लोग उपेंद्र कुशवाहा की बात के तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और उस मीटिंग में आने के लिए अपील भी करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो जदयू के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, डॉक्टर दीपक कुमार हैं, और दीपक कुमार ने अपनी बातों को रखते हुए स्पष्ट तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की इस मीटिंग में सभी को बुलाया है, क्योंकि इस मीटिंग को उन्होंने बताया है कि स्वस्थ चर्चा के लिए है और आने वाले भविष्य के लिए है, क्योंकि आपने अपना वक्त दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला पर भी उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम करेंगे, इसका सीधा मतलब है कि जो अधिकार मुख्यमंत्री जी को है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है और जदयू के भीतर उनको घेराबंदी करके उनकी बातों को और उनके विचारों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस विषय पर उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको लगता है कि जदयू को बचाना चाहिए, तो आप इस मीटिंग में ज़रूर शामिल होइए। इन सारी बातों को लेकर के जदयू को बचाने के लिए 19-20 तारीख को वो सिन्हा लाइब्रेरी में आने के लिए और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ स्वस्थ चर्चा करने के लिए सबका आह्वान कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह से अपनी बातें रखी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जदयू के भीतर का सारा जो पोल पट्टी है वो खोल करके रख दे रही है ये बात। मीडिया द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित पूछे गए सवाल का आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है और कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी देखेंगे, इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री आज के डेट में बेबस, लाचार, कमजोर हो गए हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार पार्टी के कमजोर होने की बात उठा रहे हैं, पार्टी में डील होने की बात उठा रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, यदि डील की बात नहीं उठाए रहते तो हमें लगता है कि अभी तक जदयू का विलय राजद में निश्चित तौर पे हो गया रहता। यदि जदयू का विलय राजद में अभी तक नहीं हो पाया है तो इसका कारण आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तेजस्वी यादव देखेंगे, ये काफी सोचनीय है। इसलिए सोचनीय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सिर्फ मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री को छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता है।
जिस तरीके से ये सब बात उठ रही है काफी दुखद है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आगामी 19 और 20 फरवरी को पूरे बिहार वासियों को, जदयू के सभी साथियों को पटना सिन्हा लाइब्रेरी में बुलाया है। उस सिन्हा लाइब्रेरी में सभी साथी जरूर पहुंचेंगे और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जदयू को बचाने का जो मुहिम है वो निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करेगा। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और उनके चहेते नेता जो इनके अगल बगल में रहते हैं, राष्ट्रीय नेता जो है जदयू का विलय करना चाहते हैं, लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैं और पूरे बिहार की जनता और एक एक जदयू कार्यकर्ता इस काम को होने नहीं देगा। 19-20 को हम लोग चिंतन शिविर में बैठेंगे और विलय को हर हाल में रोकेंगे, जदयू पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।